हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, आज बिहार स्टेट के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में नालंदा खंडहर है नाम से जाना जाता है। गाइस, पहले तो उसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। वहां पर आज आया हूं, जो कि देख सकते हैं पहले गेट से एंट्री लेने के बाद पहले टिकट कटाया जाता है 20 ईयर्स के बाद। तो गाइज, मैंने फाइनली वहां से टिकट ले लिया और वहां से आगे बढ़ते हैं और अंदर का जाकर के सीन कुछ देखते हैं, क्योंकि देख सकते हैं बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हो गए इधर 10 बजे के बाद जो गेट खोला जाता है। तो गाइज, बने रहे, मैं यहां का सारा दृश्य दिखाऊँगा। तो गाइज, देख सकते हैं नालंदा खंडहर में गेट के बाद एंट्री करने के बाद, जो कि अभी खंडहर के बाहर ही हैं, जो कि उधर बाहर का ही कुछ दृश्य सीन देख लीजिए, जो कि कुछ अलग सा ही एहसास होगा, क्योंकि देख सकते हैं दूर दूर तक पूरे हरे भरे हैं। और गाइज, आगे शायद दिख रहा होगा गेट, थोड़ा जूम करता हूँ, काफ़ी दूर पर से हूँ, अभी बाहर से नहीं दिखा रहा हूँ, वहाँ अंदर चल करके सारे दृश्य को अवलोकन कराता हूँ। और गाइज, फाइनली उस नालंदा खंडहर के गेट के पास आ गया हूँ, जो कि यहाँ से वहीं प्रवेश करूँगा, यहाँ से फाइनली प्रवेश कर जाऊँगा। यहाँ इस गेट के बाद सारा वो पुराने चीज़ है जो कि देखने को मिलेगा। और गाइस, देख सकते हैं धीरे धीरे अब नालंदा खंडहर की तरफ बढ़ रहा हूँ, जो कि सीन आप सभी को क्रिएट हो रहा होगा, देख पा रहे होंगे। फिर देख सकते हैं ईंट से बना वो दीवार बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा होगा गाइस। और गाइस, देख सकते हैं यहाँ का वो दृश्य नालंदा खंडहर का, जो कि बहुत ही पुराना विश्वविद्यालय तत्सिला के बाद जिसका नामकरण आता है नालंदा विश्वविद्यालय, अब तो नालंदा खंडहर में वो तब्दील हो गया, क्योंकि देख सकते हैं अभी सब लोग अब नालंदा खंडहर के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि यहाँ का दृश्य देख सकते हैं। तो गाइज, आप सब बने रहें, मैं एक एक चीज़ को अवलोकन कराता हूँ जगह जगह पर चल करके। और गाइस, देख सकते हैं यहाँ का जो दीवार है पूर्णतः ईंट का ही बनाया गया है, ईंट और पत्थर का है। देख सकते हैं ये नालंदा खंडहर, ये हम तकरीबन 7-8 फीट की ऊंचाई पर से वीडियो फोटोज निकाल रहा हूँ, जो कि देख सकते हैं इधर। और गाइस, फाइनली हमने वीडियो बनाते हुए इधर धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा हूँ, जो कि देख सकते इधर का दृश्य, जो कि बहुत ही लुभावने एवं सदृश्य है, कि देख सकते हैं। और इधर कुछ लिखा गया है इस नालंदा खंडहर का, जो विशेष बात है लिखा गया हुआ शायद। और इधर गाइस, देख सकते हैं सीढ़ी नुमा बनाया गया है, जो कि ऊपर जाने का रास्ता है। बगल में तरह तरह के फूल पत्ती लगाए गए हैं, जो कि देख सकते हैं इधर सफाई कर्मी लोग सब सफाई अभियान जारी कर रखे हैं, जो कि गाइज देख सकते हैं यहाँ का वो दृश्य नालंदा खंडहर, जो कि पहले विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर लोग विदेशों से आते थे अपना शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जो कि अब नालंदा खंडहर के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि अब नालंदा खंडहर के रूप में ही ये तब्दील हो गया है। अगर नालंदा खंडहर घूमने के बाद पूरा ही धुपा धुपा रहता है इधर, जहाँ तहाँ पेड़ पौधे हैं, बट पानी जगह जगह पर पीने के लिए मिलेगा। देख सकते हैं इधर नालंदा खंडहर के बाद ही, मतलब अंदर में उसी का एक अंश है, जो कि इधर अंदर में है। और देख सकते हैं इधर थोड़ा सा जंगली इलाका नियन पड़ जाता है, क्योंकि चारों तरफ कुछ जंगली पौधे वगैरह हैं, कटीले पौधे वगैरह, बट कटीले तो नहीं हैं। और इस तरह से कुछ जगह बनाया गया है, जो कि आप घूम सकते हैं बेझिझक। इधर देख सकते हैं यहाँ का दृश्य, इधर का थोड़ा सा जंगली तरफ से, जंगली इलाका की तरफ से आगे की ओर दिखाता हूँ आप सबको, जो कि दिख पा रहा होगा गाइस इधर। और गाइस, देख सकते हैं नालंदा खंडहर से मतलब बाहर का दृश्य देखने में कुछ इस प्रकार आप सबको दिखेगा, जो कि देख सकते हैं गाइस ये नालंदा खंडहर बहुत ही ऊँचा पर है, तकरीबन 50 फीट से कम पर नहीं होगा, देख सकते हैं नीचे की तरफ। और हमने यहाँ से हैं, यहाँ पर से दिखा रहा हूँ आप सबको, जो कि दिख पा रहा होगा नीचे की तरफ, उसके बाद पूरा नीचे की तरफ एकदम
उतना ही गड्ढा है, 50 फीट से कम करना होगा। और गाइज इधर वो अभी इधर देख पा रहे हैं जो कि नालंदा खंडहर का ही वो अवशेष इधर इधर का देख सकते हैं। और इधर आपको जो दिखाएं नीचे में वो वही गड्ढा 50 फीट का है, वो पूरा एरिया ही। और गाइज मैं नालंदा खंडहर में चारों तरफ घूम घूम कर हर एक जगह पर जाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि देख सकते हैं इधर घूम घूम कर मैं जा रहा हूँ। इधर का दृश्य देख सकते हैं, इधर गज बताया जाता है जी के द्वारा ये नालंदा खंडहर को खंडहर में तब्दील कर दिया गया था, जो कि गज पहले लोग विदेशों से यहाँ पर स्टूडेंट विद्यार्थी लोग पढ़ने आते थे, बट अब तो नालंदा खंडहर में तब्दील हो गया है। बताया जाता है गज कि तत्सिला विश्वविद्यालय के बाद यही नालंदा विश्वविद्यालय आता था, जो कि पूरे विश्व का हर एक किताबों यहाँ पर उपलब्ध थी, हर एक चीज़ लेकर हर एक चीज़ की थी यहाँ पर। कोई ऐसा मतलब कि शिक्षा से प्रारंभिक कोई संबंधित ना हो जो कि यहाँ पर उसका किताब नहीं मिलता था, देखने को मिलता था। पढ़ाई योग्य सारे विश्लेषण किया जाता था, जो कि गाइस इधर देख सकते हैं नालंदा खंडहर के आसपास में जगह जगह पर गार्ड साहब को ड्यूटी दे दिया गया है, जो कि ये नालंदा खंडहर के अंदर किसी प्रकार के अधभेव बातें, अनसुनी बातें, अनदेखी बातें कुछ का मतलब कि कुछ दुर्घटना वगैरह नहीं हो जाए, किसी के साथ कोई हादसा वगैरह किसी तरह के ना हो पाए, इसीलिए यहाँ पे जगह जगह पे हर एक जगह पर गार्ड का मतलब कि बंद कर दिया गया है, जो कि आपको हर एक जगह पर गार्ड सा मिलेंगे अपने ड्यूटी निभाते हुए। गाइस इधर देख सकते हैं नालंदा खंडहर का विशेष अवशेष जगह जगहों का, वो ऊपर में अब पुनरुद्योग कार्य जारी है, जो कि देख सकते हैं वो कार्य उद्योग कर्मियों के द्वारा काम जारी। इधर भी देख सकते हैं गाइस पहले का ईंट जो कि बहुत ही पतला पतला था, और पता ना कौन सा ईंट कौन सा चूना का बनाया गया था। यहाँ से आप सब देख सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा खंडहर का वो दृश्य, जो कि आप सबको दिख पा रहा होगा इधर, जो कि बहुत ही गजब को देखने को मिल रहा है। और गाइज फाइनली वो सबसे समतल स्पेस से वीडियो बना रहा हूँ, जो कि दिख पा रहा होगा आप सबको, सबसे प्लेन जगह यहीं पर है, जो कि एकदम चौबगली से ही बराबर देखने को मिलेगा। गाइज देख सकते हैं ऊपर से ऊंचा था, ऊंचाई के बाद ये सबसे समतल जगह है, जो कि दिख पा रहा होगा आप सभी को। और गाइज जगह जगह पर जा रहा हूँ, देख सकते हैं इधर यार, इधर मतलब ऐसा देखा जा रहा है कि लगता है कि 2 दिन तक भी घूमूंगा तो तकरीबन इधर का मतलब सारे जगह पर नहीं पहुंच पाऊंगा। और गाइज देख सकते हैं यहाँ भी एक पानी पीने का जल स्रोत है, जो कि एक भैया भी पानी भर रहे हैं बॉटल्स में, जो कि आप सबको क्लियर दिख पा रहा होगा। और गाइज फाइनली हमने भी यहीं पर पानी पिएंगे, और हमारे साथ में जो भी सहयोगी फ्रेंड्स वगैरह हैं जो कि यहीं पर अपने पानी पिएंगे। गाइज यहाँ पर जगह जगह पर पानी पीने योग्य है। और गाइज इधर वो जगह जगह पर पहुंचने के लिए रास्ता ही बनाया गया है, जो कि बहुत ही क्लियर है। गाइज इधर ये सीमेंट वगैरह गिट्टी वगैरह कुछ ढलाई वगैरह नहीं है, ये इधर दिख पा रहा होगा नीचे में प्योर ईंट का ही है, वो भी शायद पुराने ही ईंटे का होगा, बहुत ही छोटा छोटा डिजाइनिंग का और बहुत ही पतला पतला कि दिख पा रहा होगा गाइज आप सभी को। और हमारे पीछे गाइज इधर भी दिख रहा होगा आप सबको कि देखने से ही पता लग रहा होगा कि यहाँ का दृश्य किस तरह का है और कैसा है। गाइज देख सकते हैं इधर अभी हर एक जगह पर गाइज घूम घूम कर जा रहा हूँ, जो कि गाइज अगर घूमेंगे तो 2 दिन तक ही नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि बट अभी मैं कोशिश तो करूँगा हर एक जगह पर पहुँचने के लिए, हर एक जगह आप सबको दिखाने के लिए जो कि दिख रहा होगा। गाइज लोग बताते हैं कि यहाँ पर पहले विद्यालय हुआ करता था, शिक्षा चलती थी, शिक्षा मिलता था। तो गाइज ऐसा तो मतलब हमें नहीं कहीं पर दिख पा रहा हो कि कहीं पर मतलब कि कुछ रूम की तरह हो, कक्षा हो, बट अब शायद बताते हैं कि ये तो खंडहर में तब्दील हो गया है। तो गाइज समझ ही रहे होंगे, अब बिल्कुल ऐसा है गाइज कि एकदम पहले होगा, बताया जाता है कि इधर पहले 9 मंजिले का हुआ करता था। तो गाइज ये नालंदा खंडहर ही बहुत काफ़ी ऊँचा पर है, जो कि आपको पीछे देखे होंगे कि आपको हम ऊपर से नीचे का जो खेती होता है वो दिखाएं, जो कि दिख पा रहा होगा गाइज इधर।
और गाइज धूपा भी बहुत ज़्यादा है। अगर गाइज घूमने का मतलब कि अगर जिज्ञासा हो नालंदा खंडर, तो ऐसा मानिए कि आपको ठंडी के मौसम में ही घूमना चाहिए, क्योंकि गर्मी में अगर आप घूमते हैं तो आपको पानी बॉटल्स एनी टाइम रखनी पड़ेगा और हमेशा मतलब कि प्यास लगेगी, जो कि देख रहे होंगे इधर। और गाइज इधर अब समाप्त हो जाती, इधर देख सकते हैं इधर दीवार लगा हुआ है जो कि नालंदा खंडर के चाऊ बागली मैंने घुमा, इधर अब इंडेड है, यहाँ का लास्ट हो जाता है। अब यहाँ से मैंने देख सकते हैं गाइज इधर एकदम धनी से जो दीवार है, इधर से राउंड होते हुए मतलब कि अब आगे बढ़ेंगे, इधर से रिटर्न ले लूँगा शायद, अगर उधर से तो रास्ता नहीं होगा दीवार की तरफ से। तो गाइज मैंने अब फिर यहीं से रिटर्न ले लूँगा या फिर इस पर इधर मतलब चढ़ चढ़ करके जाऊँगा शायद, देखते हैं। हमने वो दीवार है इसी के बगल से जा रहा हूँ, जो कि हल्का सा जो होता है 2.5-3 फीट का जो रास्ता बनाया गया है, बनाया गया नहीं है बट लोग आते जाते बना दिए हैं। इधर देख सकते हैं कुछ कटीले पौधे वगैरह हैं, जंगली है, बट थोड़ा इधर से अगर जाते हैं तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, रिक्सेबल है जो कि जंगल है शायद। इधर दिख पा रहा होगा आप सबको, इधर पूरा जंगल जंगल है इधर, क्योंकि आते जाते लोग रास्ता बना दिए हैं। और इधर देख सकते हैं गाइस इधर खंडर पुनरुद्योग कार्य जारी है जो कि, और गाइस इधर कुछ ईंटें हैं जो कि अब शायद लगाया जा रहा है, देख सकते हैं कुछ इसे मतलब इधर पुराने ईंट दिखने को मिल रहा होगा आप सबको शायद, पता ना कौन से चूना पत्थर का बनाया गया है, ईंट में कौन सा मटेरियल के इस्तेमाल किया गया है, जो कि गाइज अगर उधर दिख पा रहा होगा तो शायद काचा मिट्टी का ही है गाइज। और गाइज दिख पा रहा होगा आपको ये खंडहर में हुए तब्दील नालंदा विश्वविद्यालय का दृश्य। और गाइज इधर दिख पा रहा होगा आप सबको इधर दीवार में शायद किन्हीं भगवान का, हर एक भगवान का तरह तरह का शिला उद्योग दीवार में चिपकाया गया है, जो कि दिख पा रहा होगा गाइज आप सभी को। गाइज पता ना पहले का है या फिर बाद में ये सब उद्योग किया गया है, तो यहीं के लोग सब बताएंगे जो कि दिख पा रहा होगा शायद आप लोग के गाइज। और इधर देखिए वो खंडहर में शायद वो गेट का ड्राइंग जो कि पत्थर का था, जो कि कुछ अभी अवशेष यहाँ पे रखा पड़ा है जो कि दिख पा रहा होगा गाइज। और इधर एक और खंडहर में जाने का प्रयत्न कर रहा हूँ जो कि आप सबको दिख पा रहा होगा इधर। और गाइज दिख पा रहा होगा इधर खंडहर, ये दीवारें हमसे तकरीबन यानी 10 फीट का होगा, ये 9-10 फीट का होगा ये सब गाइज दीवारें दिख पा रहे होंगे आप सब, जो कि जो तरफा दीवार है वो 8-9 फीट का जो चौड़ाई है उसका रास्ता बनाया गया। और गाइस वो खंडर होते हुए मैंने इस खंडर से बाहर हो गया हूँ, एक ही खंडर से बाहर हुआ हूँ, जो कि अब इधर देख रहे होंगे अब दूसरे खंडर में मैं प्रवेश करूँगा जो कि दिख पा रहा होगा आप सबको इधर का दृश्य। फाइनली मैंने गाइज इधर से मैंने प्रवेश किया था, उधर राउंड लेते हुए बाहर आ गया। खंडर में एक वृक्ष देखने को मिल रहा है जो कि शायद आप सबको दिख ही रहा होगा, इसमें पत्तियां कम इसमें फूल बहुत ज़्यादा है, और इसका फूल एकदम बहुत ही बिखेर बिखेर कर नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ का गजब एकदम सौंदर्य दृश्य सब बना पड़ा है जो कि आपको दिख पा रहा होगा शायद। कौन सा पेड़ है आई डोंट नो, हमें पता नहीं है, अगर किन्हीं को पता है वो तो मैं उनसे जानकारी लेने का कोशिश ज़रूर करूँ। इसका फ्लावर्स एकदम घुच्चे घुच्चे की तरह एकदम वाइट वाइट है। इधर देख सकते हैं वो उधर दीवार, पता ना पहाड़ की तरह दीवार बनाया गया है जो कि आप सबको दिख पा रहा होगा। और आज फाइनली उत्तरी नालंदा खंडहर के उत्तरी भाग देखने के बाद अब दक्षिणी भाग में जा रहा हूँ इधर अवलोकन करने, जो कि इधर दिख पा रहा होगा नालंदा खंडर का वो दक्षिणी भाग है, जो कि इधर तो और काफ़ी ऊंचाई पर है, जो कि इधर दिख पा रहा होगा इधर ढुलाऊँ की तरह है गाइज।
और दिख पा रहा होगा आप सबको। तो गाइज बने रहे हैं इधर दक्षिणी भाग को ही पूरी तरह से अवलोकन कराता हूँ, जो कि दिख पा रहा होगा इधर बहुत ही गजब का सौंदर्य एवं सदृश्य है, जो कि गाइज आप सबको दिख पा रहा होगा। इधर कुछ पुराने अवशेष भी हैं जिसे लोग विलुप्त होने से बचा रखे हैं, और गाइज इधर काफ़ी घना जंगल है जो कि दिख पा रहा होगा। तो गाइज इधर ज़्यादा रिक्स नहीं लूँगा, और गाइज फाइनली देख सकते हैं वो नालंदा खंडर का दक्षिणी ध्रुव का वो दृश्य। पता ना ये पहले के लोग इसे किस चीज़ में इस्तेमाल किया करते थे, वो गोल गोल राउंड राउंड की तरह, पता नहीं वो किस चीज़ का वो मान्य है। और इधर भी देख सकते हैं गाइज, और बीच में एक पहाड़ की तरह, पता नहीं इसके अंदर कुछ गुफा वगैरह है, किसी ने नहीं बता पा रहे हैं वो। इधर देख सकते हैं इधर का वो दृश्य, पता ना किस चीज़ में इसे लोग यूज करते थे और किस लिए ऐसा ऐसा दृश्य को बनाया जाता था, क्योंकि दिख पा रहा होगा इधर। और ये नालंदा विश्वविद्यालय जो कि खंडहर में तब्दील हो चुका किया गया। और गाइज एक झलक इधर भी देख सकते हैं आप सब, जो कि शायद इधर नाले की तरह बनाया गया है, जो कि बहुत ही गड्ढा का है। और गाइज इधर वो देखिए सबसे ऊंचा यही स्थान है, जो कि पूरे नालंदा खंडहर में सबसे ऊंचा इमारत कही है, फिर खंडहर का जो जगह कहिए सबसे ऊंचा यही है। और वहाँ पर जाने का अलाउ नहीं दिया गया, क्योंकि गाइज यहीं से आप सब अवलोकन कर सकते हैं। और गाइज इधर दिख पा रहा है आप सबको पहले का वो, जो कि जगह जगह पर कुआं बनाया गया, अब वो लोहे के ग्रिल के द्वारा वो ढक दिया गया, जो कि दिख पा रहा होगा गाइज। देख सकते हैं नालंदा खंडहर का दक्षिणी भाग में भी, वो खंडहर के बाद दक्षिणी भाग में भी पूरी तरह का जंगल दिखने को मिलेगा, घना दम, जो कि आप लोग को दिख पा रहा होगा। इधर चारों तरफ घना ही घना जंगल है, और गाइज इधर तरह तरह के छोटे छोटे पौधे गमले में लगाए गए हैं, जो कि दिख पा रहा होगा आप सबको। और इधर तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, और गाइज इधर बाहर निकल रहे हैं, जो कि बहुत ही घुल घुलाव का रास्ता दिख पा रहा होगा, तो घूम घूम कर निकलना पड़ रहा है। और गाइज इधर दिख पा रहा होंगे नाला का निकास किया गया, और गाइज फाइनली हमने नालंदा खंडहर के बाहर हो गए हैं, जो कि देख सकते हैं जहाँ से एंट्री किए थे वहीं पे एग्जिट हो गया हूँ। और गाइज नालंदा खंडहर घूमते के साथ साथ इधर देख सकते हैं फ्लावर्स का भी आनंद ले रहे हैं, जो कि आप सबको दिख पा रहा होगा, बहुत ही गजब का स्मेल तो नहीं है बट देखने में बहुत ही लुभावने लग रहे हैं। इधर पिंक वाइट है, जो कि हमारे सहयोगी फ्रेंड्स का कहना है कि हम यहाँ पर फ़ोटो खिंचाएंगे, और हम बोल रहे हैं कि नहीं वीडियो बनाते हैं फिलहाल। फ़ोटो खिंचाएगा तुम लोग जी? फ़ोटो खिंचाएगा? फ़ोटो खींचिए, वीडियो में नहीं आना है? वीडियो में क्यों आना है? अच्छा ठीक है, गाइस देख रहे हैं इन लोगों का इच्छा है कि हमें यहाँ पर रील बनाइए या फिर फोटो। और गाइस फाइनली थक गए हैं और आकर के यहाँ पर बैठ गए हैं, तो गाइस इधर। और गाइस फाइनली हमने नालंदा खंडहर पूरा घूमने के बाद अब फाइनली बाहर निकल रहा हूँ, जो कि आप सबको दिख पा रहा होगा जहाँ से एंट्री किए थे वहीं से अब एग्जिट हो रहे हैं। तो गाइस मैं हूँ बिट्टू शर्मा, और आपसे अगर हमारा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट कर जरूर बताएं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।